उनसे कहा गया कि आपकी फिल्म यूए सर्टिफिकेट के लायक नहीं है, आपकी फिल्म ए सर्टिफिकेट के लायक है। मैं किसी भी चीज के, जब मेरे सारे प्रोमोज जिनको यूए सर्टिफिकेट दिया गया और उन्हीं प्रोमोज को काटने के लिए फिल्म में कह दिया गया कि प्रोमोज को हटा दीजिए। एक चीज के दो पहलू कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में मेरी लीगल टीम के एक्सपर्ट मैंने दिल्ली से बुलाए हैं, मेरे एडवोकेट हैं खटाना जी, वो आपको सारी इस बारे में सारा बताएंगे। खटाना जी, थैंक यू। बेसिकली इस मूवी में सेंसर सर्टिफिकेट देने से पहले जो प्रोमोस थे उनका सेंसर यूए कैटेगरी में हुआ था, और जब कंप्लीट करने के बाद मूवी को दोबारा सेंसर के लिए दिया गया तो जो प्रोमोस पहले से यूए कैटेगरी में पास हो चुके थे उन्हीं को डिलीट करने के लिए कहा गया, वो भी जबकि पिक्चर को ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया गया। इस इशू पे वी आर डिस्कसिंग और लीगल कोर्स ऑफ एक्शन एंड वी आर मूविंग टू हाई कोर्ट फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दी सेंसर बोर्ड बिकॉज दे आर डूइंग सच थिंग्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई। किसी भी फिल्म को अगर आपने पहले यूए सर्टिफिकेट दे चुके उनके प्रोमोस के लिए, उन्हीं प्रोमोस को आप ए सर्टिफिकेट में भी काटने को कहेंगे, ये मुझे डबल स्टैंडर्ड सेंसर बोर्ड का जो है वो समझ में नहीं आ रहा, और इसके लिए मैं